Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक मीठे की रेसिपी जो कि है गाजर की बर्फी। चलिए चल के देखते हैं। गाजर यहाँ पे मैंने ली 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, एक कप ड्राई मिल्क जो कि नीडो का है, एक कप शुगर, पिस्ता, बादाम, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ कप डेसिकेट कोकोनट, 2 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास नहीं तो आप बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप लिया यहाँ पर मैंने रेगुलर मिल्क। गाजरें मैंने पैन में डाल ली, अब इसके साथ शामिल करूँगी दूध और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक गाजरें गल ना जाए। ये देखें दूध उबल रहा है, अभी हम इसी में इसको पकाएंगे जब तक दूध खुश्क ना हो जाए, गाजरें गल ना जाएं, तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए दूध ड्राई हो चुका है, गाजरें भी गल चुकी हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें घी, उसके साथ करूँगी इसकी अच्छी तरह बुनाई। पहले हम इसको घी में अच्छी तरह भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। गाजरें हमारी इस तरह भुन चुके हैं घी में, अब मैं ऐड करूंगी इसके साथ चीनी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि दूध ऑलरेडी मीठा होता है ड्राई मिल्क को। साथ में इलायची पाउडर, तो तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी मिक्स ना हो जाए चीनी का। पानी ड्राई हो चुका है, अब इसी के साथ करूँगी ड्राई मिल्क पाउडर, इसको ऐड करेंगे। आप इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत मज़े की बनती है, आप जरूर ट्राई करके देखना। आज थोड़ी इस जगह पर स्लो कर लें ताकि दूध जले नहीं। इसी के साथ थोड़ा सा कोकोनट, थोड़े बादाम, इसके साथ भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसको मैं ग्रीस की हुई ट्रे में निकालूंगी और ऊपर से गार्निश करूंगी। बर्फी को मैंने निकाल ली है ग्रीस की हुई ट्रे में, अब इसको मैं करूंगी गार्निश। किसी स्पैचुला से इसको सेट कर लें इसमें। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15-20 मिनट में सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको
दिखाती हूँ। लीजिए, हमारी गाजर की बर्फी रेडी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें कैसी बनी। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।